नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज तारीख हो चुकी है 15 जुलाई 2024, दिन है सोमवार, तो एक नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। किसान भाइयों, आज फिर से जानेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कैसे क्या रहे प्याज के बाजार, कितनी गाड़ियों की आमदनी पहुंची है, ग्राहकी आज कैसी क्या देखने को मिल रही है। कंप्लीट अपडेट आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और जो भी प्याज के अपडेट बताएंगे किसान भाइयों, वो 40 किलो मन के हिसाब से और प्याज की क्वालिटी के हिसाब से अपडेट बताएंगे। तो अपडेट को पूरा देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पर पहली बार हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं प्याज के भाव का अपडेट डालूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे। चलिए किसान भाइयों, जान लेते हैं आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आज कहां कहां के प्याज की क्या क्या पोजीशन रही। किसान भाइयों, सबसे पहले तो बात करेंगे आमदनी की। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में आमदनी जो पहुंची है किसान भाइयों, लगभग 35 मोटरों की आमदनी पहुंची है ताज़ा फ्रेश से अराइवल, और टोटल मिला के जो शनिवार का बैलेंस है किसान भाइयों, उसको मिलाकर ऊपर नीचे लगभग आज मंडी में 90 से 95 गाड़ियां बिक्री के लिए खड़ी हैं। प्याज के भाव की बात करें किसान भाइयों, तो आज प्याज के भाव में कुछ चमक बनती दिख रही है सुबह सुबह किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी में। और बात करेंगे सबसे पहले किसान भाइयों राजस्थान के प्याज की, तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में राजस्थान के प्याज का भाव किसान भाइयों जो पोजीशन बनी सुबह सुबह वो 33 रुपये से लेकर 33.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और जो एवरेज क्वालिटी का माल है राजस्थान का किसान भाइयों, उसकी पोजीशन किसान भाइयों 28 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और किसान भाइयों गोल्टा गोल्टी प्याज की मैं बात करूं तो अजमेर के, तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 22 रुपये से लेकर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। वहीं किसान भाइयों बात करेंगे नासिक के प्याज की, तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में नासिक के प्याज की जो पोजीशन रही किसान भाइयों, जो सुपर क्वालिटी प्याज है यानी बढ़िया वाला प्याज किसान भाइयों नासिक का, वो आपका 30 रुपये से लेकर 34 रुपये प्रति किलो के बीच में, और जो एवरेज क्वालिटी का माल है किसान भाइयों नासिक का, उसका भाव आज किसान भाइयों 25 रुपये से लेकर 30 रुपये प्रति किलो के बीच में। किसान भाइयों प्याज का भाव लगभग एक हफ्ता होने जा रहा है जो है अपनी जगह स्थिर टिका हुआ है। प्याज के भाव में ना कोई ज़्यादा इजाफा हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल रहा है, और ना ही कोई ज़्यादा गिरावट हमारे किसान भाइयों को देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे किसान भाइयों मध्य प्रदेश के प्याज की, तो मध्य प्रदेश के प्याज दिल्ली आजादपुर मंडी में आज जो पोजीशन बनी है किसान भाइयों, वो बहुत ही ठीक ठाक बनी है मध्य प्रदेश के प्याज की। किसान भाइयों दिल्ली आजादपुर मंडी में आज मध्य प्रदेश के प्याज का भाव 33 रुपये से लेकर 34 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और जो नीचे वाला प्याज है यानी एवरेज क्वालिटी वाला किसान भाइयों, उसका भाव आज 28 रुपये से लेकर 30-31 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। गोल्टा गोल्टी प्याज की मैं बात करूं मध्य प्रदेश के किसान साथियों, तो उसका भाव आज 25 रुपये से लेकर 26 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। वहीं किसान भाइयों बात करेंगे नासिक के प्याज की, तो नासिक के प्याज इस समय दिल्ली आजादपुर मंडी में आज जो पोजीशन बनी है किसान भाइयों, 34 रुपये से लेकर अगर कोई एक दो VIP सुपर एक्स्ट्रा लोड पहुंची है, वो लगभग आज सुबह सुबह किसान भाइयों 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। किसान भाइयों गोल्टा गोल्टी प्याज की मैं बात करूं और एवरेज प्याज की, जो पुणे के एवरेज और गोल्टा गोल्टी प्याज हैं किसान भाइयों, उसका भाव आज 25 रुपये से लेकर 31 रुपये प्रति किलो के बीच में दिल्ली आजादपुर मंडी में आज प्याज का भाव। किसान भाइयों प्याज के भाव को लेकर कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि प्याज के भाव जो है एकदम डाउन होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं किसान भाइयों। आप अपने प्याज को जो है आराम से बेचते रहिए, धीरे धीरे करके बेचते रहिए, प्याज के भाव यही बने रहेंगे। लगभग एक हफ्ता और 15 दिन तक जो है प्याज के भाव में कोई भी गिरावट आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। बहरहाल किसान भाइयों ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी से प्याज के आज के ताज़ा भाव का अपडेट। धन्यवाद।